जौनपुर में सीएम योगी और राजनाथ सिंह की बूथ अध्यक्षों से चुनाव पर चर्चा, मिशन 2022 के लिए जीत का मंत्र। गोंडा में सीएम योगी ने चीनी मिल परिसर में एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। गोंडा में विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा कि जिनको जिन्ना पर विश्वास वो क्या समझेंगे गन्ने की मिठास, पिछली सरकारों में त्योहारों से पहले होते थे दंगे। सीएम योगी आज जौनपुर और वाराणसी का भी बड़ा दौरा, कई योजनाओं की देंगे सौगात, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी की शक्ति आराधना, तुलसीपुर के पतेश्वरी मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। बलरामपुर में सीएम योगी ने गौ सेवा भी की, गौशाला में गायों को अपने हाथों से खाना खिलाया। बलरामपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा कि जन प्रतिनिधि भी बसमापुर की तरह हैं जो योजना को हड़पने के लिए ताकत लगाते हैं। यूपी में बीजेपी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग, गाने के बोल हैं झंडा बीजेपी का लहरी, केहू आगे नाही ठहरी, यही यूपी की पुकार, फिर बनी भाजपा सरकार। समाजवादी पार्टी ने जारी किया चुनावी गीत, यूपी में खिला हुई बे खदेड़ा हुई बे। हरदोई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली में शिरकत की, सपा अध्यक्षों के राज पर भी मौजूद रहे। 7 दिसंबर को मेरठ में सपा आरएलडी की होगी बाहर रैली, सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश जयंत संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। वाराणसी में बीजेपी युवा मोर्चा का युवोत्थान कार्यक्रम, मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अलीगढ़ में पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन सिस्टम हैकिंग सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। आगरा में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का आह्वान, बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पर आया सभी राजनीतिक दल। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान गिरफ्तार, एनसीबी कर्मचारी से मारपीट और बसरूकी का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। लखनऊ में टीकाकरण कराने के लिए किसी प्रकार के पंजीयन की जरूरत नहीं, 26 नवंबर से टीकाकरण के लिए पहले से पंजीकरण कराने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया। कोरोना के नए वेरियंट के बीच आला अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की अहम मीटिंग, कोरोना और वैक्सीनेशन पर चर्चा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर सरकार, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 29 नवंबर को बुलाए हाई लेवल मीटिंग। कोरोना के खतरे को देखते हुए सीएम केजरीवाल की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से फ्लाइट पर लगे रोक। दिल्ली के सिंह बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की दूसरी बैठक जारी, कोर कमेटी की बैठक में एमएसपी पर गारंटी, मुआवजा और बिजली बिल वापस लेने पर हुआ मंथन। आंदोलन पर बैठे किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील, कानून वापसी के बाद आंदोलन का कोई औचित्य नहीं। लखनऊ में यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी, एसआई प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर की भर्ती होगी। ग्रेटर नोएडा में ज्यूरिक एजी कर रही एयरपोर्ट का निर्माण, अनुबंध के मुताबिक 1095 दिन में पूरा होगा काम। प्रयागराज में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसएन शुक्ल पर चलेगा अभियोग, हाईकोर्ट ने सीबीआई को दी अभियोग चलाने की नियुक्ति। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जोरों पर, मंदिर की नींव के ऊपर 1.5 मीटर की ड्राफ्ट ढालने का काम संचालित। बहराइच में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने एक बड़ा बयान दिया, कहा 2022 में 2017 की पुनरावृत्ति करेंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। यूपी प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिस वाले निलंबित। जौनपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस चौकी को उड़ाया, हादसे में 1 व्यक्ति की मौके पर मौत, एक पुलिसकर्मी घायल। मेरठ में रुपयों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला हमला। आगरा में कोरोना के नए वेरियंट के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग गंभीर अलर्ट के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जारी किया निर्देश। महाराजगंज में किसान अपना गन्ना कम दाम पर नेपाल में बेचने को मजबूर, चीनी मिल बंद होने की खरीदारी न होने से परेशान। कुशीनगर में पिता ने अपने 13 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, बरडोना कोतवाली क्षेत्र में देवकी नगर की घटना। सहारनपुर में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के प्रभावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट, कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया।
फतेहपुर में गैस का गुब्बारा फटने से चार बच्चे झुलसे, सांसद खेल प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम में फटा गुब्बारा। शाहजहांपुर में जंगल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, बड़ी संख्या में बंदूक, राइफल और तमंची कारतूस बरामद। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से असलाह बरामद। जौनपुर में कल हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, उधार पैसे न देने पर दोस्तों ने की थी युवक की हत्या। महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र में तेंदुए ने किया मासूम बच्चे पर हमला, तेंदुए के हमले से बच्चे की मौत। बुलंदशहर में दो दिन पहले हुई हत्या का खुलासा, बाल काटने के पैसे मांगने पर हुई थी हत्या, तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में एक युवक का खेत में मिला शव, शव मिलने से पूरे गांव में मचा हड़कंप, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। गोरखपुर में एंटी करप्शन की टीम ने सिंचाई विभाग के लिपिक को किया गिरफ्तार। चित्रकूट में प्रोफेसर की पिटाई मामले में पीड़ित के भाई ने दी थाने में तहरीर, कैंपस के अंदर शिक्षकों और प्रिंसिपल ने पीटा था। लखनऊ में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला, अलकायदा के लखनऊ कनेक्शन की तलाश में जेएनके में छापेमारी। औरैया पुलिस ने दो दिन में करीब 40 गौवंश को मुक्त कराया। जालौन में डीएमएसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। रेडीमेड कपड़े, फुटवेयर और सोलर बैटरी पर जीएसटी बढ़ाने के विरोध में व्यापारियों ने जीएसटी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। चंदौली में शुरू हुई धान की खरीदी, जिले में बनाया गया 112 क्रय केंद्र। मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर में सरकारी दवाओं का स्टॉक खत्म। ललितपुर में आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने छापेमारी की, चार भट्टियों और भारी मात्रा में दहन बरामद। अलीगढ़ के चर्रा इलाके में हुई लूट के बाद हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हरदोई में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दो पक्षों के बीच मारपीट। डीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, बाहर से दवाइयां लिखने पर डीएम ने लगाई रोक। सहारनपुर जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है, 3.5 महीने बाद देवबंद में कोरोना का एक मरीज सामने आया। सहारनपुर में सड़क हादसे की इस संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यातायात माह नवंबर में एक सप्ताह में ही 20 लोगों की मौत। हापुड़ पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग कर ठगी करने वाले चार शातिर लोगों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर की बेहट तहसील में तैनात लेखपाल घूस लेते हुए अरेस्ट। कुशीनगर में आस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू। आगरा के मुगल रोड का बदला गया नाम, अब महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाएगा मार्ग। सहारनपुर में कोरोना ने फिर से दस्तक दी, गर्भवती महिला से संक्रमण की पुष्टि। देहरादून में आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन, उत्तराखंड के आर्थिक विकास को लेकर हुई चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, आज शाम को दिल्ली के लिए होंगे रवाना। देहरादून में देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन। राजाजी टाइगर रिजर्व में आज मालगाड़ी से टकराकर एक हाथी के बच्चे की मौत। रामपुर में चलती गाड़ी बनी आग का गोला, हादसे में किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं। देहरादून में कोरोना के मामलों में तेजी, सैंपलिंग करवाने का ऐलान, सेकेंड वैक्सीनेशन डोज लोगों से अपील। रामपुर का रिश्वतखोर दारोगा घूस लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। उधम सिंह नगर में एसआईयू के दारोगा से तमंचे के बल पर बाइक भी लूटी गई। उत्तरकाशी के पटवाड़ी प्रखंड के डाटा गांव में एक महिला पर भालू ने हमला किया। रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज में छात्रा ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज की छत पर चढ़े और कॉलेज की छत से कूदकर जान देने की धमकी दी। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में आज रहेंगे मौजूद, धरने पर बैठे शिक्षकों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12:30 बजे राउज एवेन्यू में करेंगे मीडिया से बात। 6 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आज से देशभर के 10,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, दिल्ली के 3 अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप।